मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान मुखिया के राज में किसानों की हालत बद से बदतर है। मध्य प्रदेश में किसानों पर कौशल कर 74,420 रुपए और औसत आय सिर्फ 8,339 प्रति माह चार राज्यों में सबसे नीचे है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, मगर किसानों का दर्द 100 गुना और कर दिया है। पीसी शर्मा ने कहा कि पिछले चार वर्षों में मोदी सरकार ने कृषि एवं विकास कल्याण का करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया और राज्य सरकार ने किसान कल्याण की केवल 22% राशि ही खर्च की। मध्य प्रदेश में किसानों पर कौशल कर 74,420 रुपए और औसत आय सिर्फ 8,339 प्रति माह सबसे नीचे चार राज्यों में है। पीसी शर्मा ने कहा कि ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश का किसान तबाह हो गया है, जिसको लेकर कमलनाथ ने कमेटी बनाकर खेतों में जाने का कार्यकर्ताओं नेताओं को निर्देश दिया है और उसकी रिपोर्ट जल्द पीसीसी चीफ को सौंपने को कहा है। किसानों की हालत आज बद से बदतर है। शिवराज सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। किसानों की आय दोगुना तो हुई नहीं और पूरा किसान कर्ज में डूब गया। आज स्थिति यह है कि लगभग 24-25 रुपए प्रतिदिन आय है किसान की और 74,000 रुपए हर किसान पे कर्जा है। कमलनाथ जी की सरकार थी तो 11,000 किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ 11,000 करोड़ का और बिजली का बिल हाफ था। आज स्थिति यह है कि 78,533 करोड़ रुपए किसान कल्याण का खर्च नहीं हुआ, जो पैसा है वो सरेंडर करना पड़ा। ये हालत है और अभी एक ये नोटिस ये ओलावृष्टि हो गई। ओलावृष्टि के बाद ये सहकारी बैंकों के नोटिस जा रहे हैं कि 28 तारीख तक अगर आपने ऋण अदायगी नहीं की तो 0% का जो लाभ मिलना है वो नहीं मिलेगा। ये पत्र है सीहोर जिले का, मुख्यमंत्री जी के जिले का और ये है मैसेज। प्रिय किसान भाइयों, 28 मार्च तक आप जमा कर दें, नहीं तो 0% का लाभ नहीं मिलेगा। ये हालत है, एक तरफ ओले गिर रहे हैं और मुख्यमंत्री कहा था एक एक दाना का मुआवजा देंगे, नहीं दाना खरीद रहे हैं न दाने का मुआवजा दे रहे हैं और आज किसान आत्महत्या पर उतारू है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आपको घटनाएं याद हों तो सीहोर और रतलाम में खाद न मिलने से किसानों ने खाद को लूटा था। सीहोर मुख्यमंत्री जी का जिला है तो कमलनाथ जी ने आदेश दे दिया है हर जिला कांग्रेस कमेटी को विधायकों को कि अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, किसानों से संपर्क कीजिए, जो उनके फसलें नष्ट हुई हैं उसका ब्यौरा दीजिए और ये हम सरकार को देंगे। ये सब मामले सड़कों पर उठाए कांग्रेस। अगर आपको घटनाएं याद हों तो सीहोर और रतलाम में खाद न मिलने से किसानों ने खाद को लूटा था। सीहोर मुख्यमंत्री जी का जिला है तो ये हालत बद से बदतर है और अभी कांग्रेस की जब सरकार आएगी कमलनाथ जी तो जो ऋण माफी उन्होंने रोक दी उस ऋण माफी को फिर से चालू करेंगे। कि आज बद से बदतर स्थिति है और क्या होगा और हमारे मामा जी रोज एक नई घोषणा कर देते, नई रोज नई घोषणा कि 8,000 रुपए बेरोजगार को देंगे। अरे भैया दोगे कहाँ से, ये क्या कर्जा लेके देते रहोगे और एक साल के लिए 8,000 देंगे, उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद क्या है आपके पास। इन्वेस्टर मीट में भी जो है अमेरिका जर्मनी रूस इस तरह के कोई लोग नहीं आए हो, आए कौन से, बांग्लादेश हांगकांग तुर्की जो अपने आप में निपट रहे हैं वो आके यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये स्थिति आज इस प्रदेश की है, केवल झूठ बोल रहे हैं और इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा कहना है।
भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।